सन 2002 से संचालित श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स, असली सोना, कुशल कारीगरी, सोने चांदी के विक्रेता, मेडिकल कॉलेज के आगे, दिल्ली रोड, सागर। सागर के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के MBBS छात्रों के दो गुटों में विवाद हो गया। मामला थाने तक जा पहुंचा। शिकायत के बाद प्राथमिकी दर्ज करवाई है। 2020 MBBS के छात्रों का आरोप है कि कुछ स्टूडेंट्स कैंपस के बाहर रहते हैं, बाकी के स्टूडेंट कैंपस में रहते हैं। कैंपस में रहने वाले छात्र बाहर रहने वाले विद्यार्थियों को परेशान करते हैं। आज डीन ऑफिस के पास कैंपस में रहने वाले छात्र कहने लगे कि उन्हें नमस्कार करो, हमारे आगे सिर झुकाओ और OPD में जाने से भी रोका। जब इन छात्रों ने विरोध किया तो दोनों गुटों के बीच झूमा झटकी हो गई। इसमें एक छात्र को हल्की चोटें आई हैं। उसने कॉलेज प्रबंधन और थाने में इस बात की शिकायत की है। इस मामले को लेकर बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने एक समिति का गठन किया है जो पूरे मामले की जांच करेगी और दोषी पाए जाने पर छात्रों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। BMC के मीडिया प्रभारी डॉक्टर उमेश पटेल के मुताबिक ये कोई रैगिंग का मामला नहीं है, एक ही बैच के छात्र हैं जिनके बीच विवाद हुआ है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर उमेश पटेल, मीडिया प्रभारी बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर। आज हमारे BMC के MBBS 2020 के छात्रों में आपस में किसी बात को लेकर लड़ाई हो गई। BMC प्रबंधन ने एवं अधिष्ठाता महोदय ने इस बात को तत्काल गंभीरता से लेते हुए जांच समिति का गठन किया है। सभी छात्रों के बयान लिए जा रहे हैं। जो भी छात्र दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। यह किसी भी प्रकार से रैगिंग का मामला नहीं है, चूंकि सभी छात्र MBBS 2020 बैच के थे, एक ही बैच के थे। सन 2002 से संचालित श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स, असली सोना, कुशल कारीगरी, हसमुख स्वागत, सोने चांदी के आभूषणों के निर्माता, हार एवं चूड़ी, वेंदी, करधन, पायलों की हजारों वैरायटियां एवं चांदी की मूर्तियां और बर्तन, राशि रत्नों के विक्रेता, एक बार हमारे शोरूम में अवश्य पधारें। हमारा पता है मेडिकल कॉलेज के आगे, दिल्ली रोड, सागर, SCJ ब्रांच 2, सराफा बाजार, सागर।